वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सफर की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ मैं आईसुजू, ठीक है। तो आईसुजू के अंदर क्या क्या हुआ है वो दिखाता हूँ। हमने कुछ इसमें साउंड का काम किया है, थोड़ा लाइट वगैरह काम किया है। अल्फा वन वाली जो हमारी HID लाइट आती है वह हमने इसमें इंस्टॉल कर दी है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आईसुजू के अंदर अभी डैम्पिंग का काम हो रहा है। तो डैम्पिंग कौन सी वाली लगा रहे हो भाई? मोर ड्राइव। देख लो, मोर ड्राइव वाली डैम्पिंग लग रही है, ठीक है। गोल्ड तो सीरीज। हाँ, गोल्ड सीरीज वाली, गोल्ड गोल्ड लग रहा है ना। तो जस्ट अभी बताते कैसे लगती है। अभी हमने ना इस पर प्राइमर मारा है 3M वाला, जो प्राइमर होता है हमारा, क्योंकि हम 3M यूज करते हैं। और ये एक बार में चिपक जाता है, पूरा बॉक्स टाइप बन जाती है, एकदम बढ़िया। और आईसुजू है, और आईसुजू होने की वजह से हम फिर भी इसके अंदर जो यूज़ कर रहे हैं वो SNS वाले जो हमारे स्पीकर हैं वो वाले स्पीकर यूज़ कर रहे हैं। और उसके साउंड आपको चेकआउट कराऊंगा कैसे होने वाली है। लगाओ भाई, अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसे ये लगता है उसकी फिटनेस दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर डैम्पिंग जो है वो परफेक्टली लग गई है, ठीक है। इस तरह से कट वगैरह मार के डैम्पिंग लगा देते हैं। और यहाँ पर अभी स्पीकर लगना बाकी है जो कि ये रखे हुए, क्योंकि सामने वाले में अभी काम चल रहा है और वहाँ की भी डैम्पिंग अभी ठीक से चिपकाई जा रही है। भाई बैठा हुआ नीचे चिपका रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट जैसे होता है स्पीकर लग के, उसके बाद बंद होने के बाद साउंड सुनाता हूँ क्या साउंड होने वाली है। तो यहाँ पर आपके सामने लेके आ चुका हूँ मैं आईसुजू, ठीक है। जिस तरह से मैंने बताया कि आईसुजू लेके आऊंगा, और आईसुजू के अंदर हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने येल्लो वाले बल्ब रखे हैं, ठीक है। DRL ये भी हमारे पास पूरा मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्टर लग रहा है, नॉर्मल वाली लाइट लग रही है, ठीक है। यहाँ पर हमने HID लगा दिया, और HID के साथ साथ यहाँ पर भी हमने HID लगा दिया। प्रोजेक्टर और नॉर्मल में हमने HID लगा दिया। इसका व्यू मैं आपको इसके बाद दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब आपको व्यू दिख जाएगा इसके बाद। तो यहाँ पर हमने जो अल्फा वाली HID होती है, जिसमें कई तरह के मॉडल आते हैं, ठीक है। तो जिन भैया की गाड़ी है उनको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो लाल भाई ने वो भी सॉल्व कर दिया। और अभी आप लाइट का रिस्पांस चेक आउट कर सकते हो, ठीक है, किस तरह का होने वाला है। बाहर का व्यू डिपर दे दो भाई एक बार। ये हाई वाला हो गया, लो करना, ये लो हो गया, ठीक है। तो कितना ज़्यादा फर्क लग रहा है वो देख लेना। बाकी लाइट एक बार बंद करके दिखाना, टोटल एक सेकेंड के लिए बंद करो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अभी मैं थोड़ा सा अंधेरे में लेके चल रहा हूँ, कैमरा है थोड़ा लाइट ज़्यादा रखता है, लाइट जला दो। ये देखो सामने वाली लाइट को, जो गाड़ी जा रही है पूरी वाइट कर दी है उसको, ठीक है। नॉर्मल जो रोड है उसका व्यू दिखा रहा हूँ, आईसुजू होने वाली है, ठीक है। और जो मैंने लाइट आपको बाहर से दिखाई है सेम उसी तरह का ये होने वाला है, चेकआउट कर लो आप। बाकी मैं एक थोड़ा ज़्यादा अंधेरे में ले आके चेकआउट कराता हूँ क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अभी हम फुल अंधेरे में आ चुके हैं, ठीक है। बढ़िया वाला जो अंधेरा होता है वो आपके लिए लेके आ चुका हूँ, जिसमें कहीं दूर आपको थोड़ी सी लाइट जलती नजर आ रही होगी। तो एक बार मैं लाल भाई से इसका विजन दिखाता हूँ क्या होने वाला है। एक बार लो लाइट इसकी ऑन करवाता हूँ और फिर दिखाता हूँ क्या होने वाला है। एक बार भाई इसकी ये क्या जलाया हमने, ठीक है। तो उन्होंने फॉग लाइट जो वो येलो रखने के लिए कहा था। उसके बाद हमने व्हाइट HID इसमें लगाई है, अल्फा वाली हमारी HID लगाई है, जो कि अभी आपको रिस्पॉन्स दिख रहा होगा ये लो है। जो हाई और लो होता है ये वो चीज़ है, एडजस्टेबल हो रहा है। देखो ऊपर की तरफ में एडजस्ट हो गया, नीचे करना लाल भाई एक बार। ये नीचे अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो ये भी हो जाता है सेम। एक बार हाई करके दिखाओ कहाँ तक जा रहा है, लास्ट में जो व्यू आ रहा है। नीचे करके हाई करना, नीचे करो पहले, हाँ अब हाई करो, ये चीज़। तो जो लास्ट में हमें रोड नज़र नहीं आ रहा था वो चीज़ भी आ रहा है। एक बार लो करो भाई, ठीक है, ये लो हो गया, और हाई कर दो। ये पूरा रोड हमें जहाँ तक वो लाइट दिख रही है लास्ट में, वहाँ तक का हमें व्यू ये लाइट हमें प्रोवाइड कर रही है। एक बार मैं सारी लाइट ऑफ कराता हूँ, एक बार चेकआउट कर लो। ऑफ करना भाई, ये चीज़ हो गया, ठीक है। कुछ नज़र नहीं आ रहा क्या होने वाला है क्या नहीं हो रहा, लेकिन जैसे हम लाइट ऑन करते हैं करो, वैसे ही हमें सब कुछ इसमें क्लियरिटी से नज़र आता है। तो ये हो गया, हमें अल्फा की HID लाइट होगी, जो कि कंपनी भी इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं देती, क्योंकि ये 75 वॉट होती है। तो दिखाता हूँ बाकी किस तरह की होती है, क्या चीज होती है, और भी वीडियो डाली है। आपका पीला वाला लगा हुआ तो उसमें आपको ऐसा दिख रहा था कुछ भैया से रिस्पांस पूछूंगा। अच्छा भैया एक बात मेरे को ये बताओ, अभी जो आपने पहले लगा रखा, पहले अभी अपना नाम बताओ मुझे आप। मेरा नाम सुरेंद्र मेहरा। सुरेंद्र मेहरा कहाँ से आए हो भैया आप? कोटा से। कोटा राजस्थान,
ठीक है, तो राजस्थान से हमारी ये सुजू होने वाली है। और यहाँ पर एक बार भैया बताएंगे, भैया जो पहले लाइट थी उसका विजन कैसा था, मतलब क्या कितना दिखाई देता था, कैसा था? पहले कोई खास बात नहीं थी, खास बात नहीं थी, नॉर्मल जो होती है उस तरह की थी, ठीक है, नॉर्मल होती है, गड़म हुई, वही चीज होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको जो रिस्पॉन्स मैंने खुद चेक करा दिया आपके आगे भी ना, कि जो पूरा अंधेरा है और उसके बाद हम चालू करते हैं तो पूरा दिन निकाल देता है रोड पे ना, हमने ना एकदम व्हाइट वाला जो विजन था वो, ठीक है। बाकी आपने फॉग लाइट जिस तरह की रखने के लिए थी हमने वही रखी है, येलो वाली, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के आपको इस लाइट में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है ना यार, बहुत अच्छा लगा है, अच्छा लग रहा है ना। बाकी हम जो जो चीज और भी लगाई है भैया अभी तक उसमें से, साउंड का आपने साउंड सुन लिया है गाड़ी का, एप लाइट हमने लगाई है, ठीक है, वो कैसा लग रहा है आपको ये सारी चीजें, ऑलमोस्ट सारा काम कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, हमें काम करवा के, मतलब ये नहीं लगा कि अपने पैसे खर्च करे तो पछताना पड़े। तो दोबारा आओगे ना? बिल्कुल आएंगे, दोबारा जो भी होगा तो गाड़ी में काम कराने के लिए आएंगे भैया, ठीक है। तो साई कार एसेसरीज पे भैया आएंगे, करोल बाग के अंदर शॉप होने वाली है। अभी मैं बाहर से जो भी वीडियो दिखाऊंगा उसमें आपको बोर्ड जरूर दिखाऊंगा कि कैसे आना है। चलो लाल भाई, हमने इसमें जो इनसे पहले कोई लगाया नहीं लगाया, हमने इसमें एप लाइट भी लगाया, एप लाइट मैंने बताया ना कि एप लाइट भी हमने लगाई है। अभी मैं इसको वहाँ पे जब खड़ी करेंगे, एक एक चीज जो हमने लगाई है वो वहाँ पर मैं इस दिखाने वाला हूँ, यहाँ मैं सिर्फ विजन दिखाने के लिए आया था ओनली, ठीक है। तो व्यू के साथ साथ मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि जिन भैया ने गाड़ी पे सब काम कराया है उनको कैसा लगा ये काम। बाकी इसके अंदर आप अलाव चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, ये इसके अलावा होने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमने इसके अंदर फुटरेस्ट लगाया, यहाँ पर आपको फुटरेस्ट दिख रहा होगा, ठीक है, जिसको अच्छी तरह मजबूती से चेकआउट कर लिया गया है और चढ़ के इस पर ना अच्छी तरह से देख लिया गया है, बढ़िया से चढ़ के, कि टूटेगा तो नहीं है, कुछ ऐसा नहीं हो, तो उसमें कुछ भी नहीं होने वाला, जिसे कहते हैं कुछ नहीं होने वाला, वो चीज़ होने वाला है। तो यहाँ पर लाल भाई देखो, वैसे लाल भाई हल्के हैं लेकिन तीन बंदे का वो कह रहे हैं कि तीन चढ़ा के दिखाओ, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब एक और, एक और की कमी है लेकिन मैं ना 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 कोई बात नहीं, हो जाएगा इतना समय, अच्छा करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, करो। अब भैया को भी बुला लिया है, ठीक है, रिस्पॉन्स चेकआउट कराने के लिए पर्सनली बुला लिया कि यहाँ पे चढ़ाकर एक बार दिखा देते हैं कि कैसे होने वाला है। भैया कोई बात नहीं, चढ़ के दिखा दो एक बार कि हाँ मजबूती है कि नहीं, क्योंकि चढ़ना एक ही बंदे ने वो कूद के दिखा दिया भैया ने कि भैया पूरी मजबूती है इसके अंदर, ठीक है, पैसे खर्च किया है। तो उसके साथ साथ अभी अंदर चलते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेलकम वाली लाइट, डी मैक्स वाली जो लाइट आती है वो लाइट होने वाली है, ठीक है, तो वेलकम लाइट होगी। और यहाँ पर हमने इसकी एक बार लाइट ऑन करो भाई, जो एप लाइट, ये एप लाइट होने वाली है, इसकी ऐप डाउनलोड हो जाती है, उसके बाद इसको आप अपनी तरह कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि अभी इसके अंदर आपको दिख रहा होगा अलग अलग कलर चल रहे हैं, ये नॉर्मल मोड पे रहती है इसलिए इसी वाला कलर इसका जलता है। यहाँ पर हमने स्टीरियो के साथ भी चारों तरफ ये लाइट लगा दी है, ठीक है, इसको आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हो, रिमोट वगैरह से नहीं, डायरेक्ट मोबाइल में आप डालो या एंड्रॉयड प्लेयर अगर आपने लगा रखा है वो, हमने इस गेट पे भी ये चीज़ लगा दी है। इसके साथ साथ हमने पीछे वाला जो है इसका ये चीज़ यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ भैया ने बोला था वो लगा दिए, लेकिन भैया ने थोड़ा सा बोला था कि मुझे यहाँ प्लेयर के पास भी लगा के दो, तो हमने यहाँ पर भी इनको लाइट लगा के दिया। तो कैसा लग रहा है वो बता देना मुझे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको इस गाड़ी की सीटिंग दिखा देता हूँ कि इसमें सीट्स वगैरह वो थोड़ा सा ना चेंज किया हुआ है, ये पहले से था बट मैं आपको लुक दिखा रहा हूँ, किसी को अगर चेंज कराना हो तो वो कुछ इस तरह का सीट का लुक भी रख सकता है, क्योंकि मैं बैठ के देखा कंफर्टेबल था काफी, ठीक है। आगे से एक बार सीट का दिखा देता हूँ कैसे होने वाला, यहाँ से चेकआउट कर लो, ठीक है। टोटल जो लुक है वो मतलब एक नंबर का जो बोलते हैं वो वाला लुक होने वाला है इस गाड़ी का, ठीक है। बाकी आप इंटीरियर देख लो एक बार कैसा हो गया। इसके साथ साथ हमने क्या करा था, इसके अंदर थोड़ी सी डैम्पिंग भी मैंने आपको साइड में दिखा रहा हूँ कि डैम्पिंग जो हमने यहाँ पे की है, ठीक है, इस पूरे गेट पर डैम्पिंग हुई है। उसके बाद हमने यहाँ पे पाइनर का हमने स्पीकर इसके अंदर लगा दिया कॉम्पोनेंट वाला, और इसके साथ साथ हमने इसमें एम्प भी लगाया है जिनसे हमारे स्पीकर चल रहे हैं ओनली, उसकी साउंड भी चेकआउट करा दूंगा। दोनों ये लगे हैं पीछे, हमारी जो खुद की कंपनी होने वाली है S&S वाली, जो हमने खुद के स्पीकर लॉन्च करे हुए हैं वो यहाँ पर वो स्पीकर हमने लगाए हैं, दोनों साइड सेम स्पीकर आगे पाइनर के होने वाले, ठीक है। इसके साथ एक चीज़ और दिखानी है, आगे की तरफ हमने ब्लैक वाली जो किट बोलते हैं ये वाली डी मैक्स की, ठीक है, ये भी डी मैक्स की किट होने वाली है, और ये चीज़ कैसी लगती है वो लुक देख लो एक बार, डी मैक्स वाली लुक, ठीक है, दोनों साइड से। और डी मैक्स के साथ साथ आपको यहाँ पर DRL देखने के लिए मिल रहा होगा जो कि नॉर्मल वाइट जलता है, और जब आप इंडिकेटर देते हो तो ये रनिंग में रहता है मैट्रिक्स की तरह। एक भैया इसके बंद करना, DRL जो जलाए हैं आपने उसे एक बार बंद करो,
तो ये अभी रनिंग में है, भैया से बंद करेंगे ये दोनों वाइट जल जाएंगे। तो वाइट मतलब ऐसा लग रहा है लाइट के साथ ही है अब पूरा, ठीक है। ये रिस्पॉन्स है इसका। इसके साथ साथ हमने ये वाला जो फेंटर मिरर आता है ये मिरर लगा दिया ताकि आप अंदर से गाड़ी को पूरा देख सको, कितने क्लोजली गाड़ी आपकी निकल रही है, कितनी बच रही है, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हो। इसको एडजस्ट एक बार कर दो, दोबारा बार बार नहीं करना पड़ता, ठीक है। और यहाँ पर अगर पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर भी हमने ब्लैक वाली जो किट थी वो लगा दी है। 3M का प्राइमर लगता है, उसके बाद ये फिक्स हो जाती है। उसके बाद जब आप इसे खींचोगे तो आराम से ये नहीं निकलती है, ठीक है। तो लगाना अगर आप हुआ तो कि गिर जाए ऐसा कुछ है तो वो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। दोनों साइड लगा के ये चीज़ इसकी ये लुक हो गया, ठीक है। राजस्थान से ये गाड़ी आई थी, ठीक है। एक बार इसके अंदर और भी जो साउंड है वो मैं एक बार चेकआउट कराता हूँ, गाना एक बार प्ले कराता हूँ। इसके जो पुराने स्पीकर थे वो कुछ ये थे, ये इतना हल्का सा स्पीकर इसके अंदर लगा हुआ था, ठीक है। और ये वाला भी कुछ ऐसी था, बिल्कुल हल्का स्पीकर जो बोलते हैं वो लगे हुए थे। स्नॉर्कल इसके अंदर बाद में लगेगा लेकिन बाद में लगेगा, वो हमने दे दिया है इनको जिसका स्नॉर्कल का ये रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने NCS का दूसरे फोन में सॉन्ग प्ले कर दिया हमारा कार्टून वाला, साउंड सुनाता हूँ। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. यहाँ पर फिलहाल जो टाइम हो रहा है वो 11:35 का टाइम हो रहा है, अगर दिख रहा है थोड़ा बहुत दे रहा हो तो। और इसके साथ साथ हमने Isuzu के अंदर काम कर दिया है, इसकी वीडियो आपने देख ली है, साउंड सुन ली है, लाइट की वीडियो भी आपने देख ली है, ठीक है। अपनी धनों देखो यहीं खड़ी हुई है, जाती नहीं कहीं से मेरे बिना बताए कहीं पर। इसके साथ साथ जो बोर्ड होने वाला है वो साइड में फ्लैश हो जाएगा, ये शॉप है, ठीक है। उल्टा दिखा देता हूँ, साई कार एसेसरीज, ठीक है। तो उल्टा दिख रहा है लेकिन मैं साइड में फिर भी बोर्ड की फोटो आपको मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपको गोल चक्कर से आना है, ठीक है। यहाँ से इस साइड से गोल चक्कर आएगा, ठीक है, वहाँ सीधा आना। आपको स्विफ्ट खड़ी दिखेगी सामने, ऊपर की साइड में स्विफ्ट खड़ी दिख रही होगी बोरी, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्ट अंदर घुसोगे, जैसी रोड से आप जैसे ही अंदर आने के बाद लेफ्ट लेते हो, लेफ्ट लेते के साथ आपको यहाँ पे सामने राइट साइड में साई कार एसेसरीज की शॉप मिल जाएगी। साथ में नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हो, और वो सोनू भैया का होगा या फिर लाल भैया का होगा, किसी का नंबर होगा, आप डायरेक्ट शॉप पे आके विजिट करो और अपनी गाड़ी के अंदर काम करा सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं,
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर इस जो आईसुजू एस का नॉर्मल सॉन्ग अगर आपको सुनना है, उसकी आवाज़ सुननी है, उसके लिए आप फॉलो करना Suffer0612 इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आपको नॉर्मल साउंड मिल जाएगी इस गाने की, इस गाड़ी के साउंड की। बाकी बता देना कैसी लगी, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं होता है उस तादाद में जिस तरह में वीडियो चलती है। तो फिलहाल के लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब कर लेना। ख़त्म करते हैं इस वीडियो में।